गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको बाल गोविंदम भगत पार्ट 11 क्षितिज का पढ़ा रही हूँ। अभी तक का मैंने बाल गोविंदम भगत की चरित्र विशेषताएँ, वह क्या क्या करते थे, आषाढ़ महीने में वह किस तरह का काम करते थे, भादव महीने में वह कैसा का क्या काम किया करते थे, कार्तिक महीने में वह उनकी प्रभातियाँ फिर शुरू हो जाती थी और वह तालाब में जाते थे, स्नान करते थे और रात भर वहाँ पर बैठ कर कीर्तन करते थे, यहाँ तक का बताया है। आज मैं आपको गर्मियों के बारे में बताती हूँ। गर्मियों की उनकी संज्ञा, इतनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमाए बैठे रहते। संज्ञा कहते हैं सायंकाल शाम का समय। गर्मियों में जो उनकी शाम होती थी बहुत ही उमस भरी होती थी और उसमें शीतलता नहीं होती थी। गर्मियों की शाम उमस भरी होती है और बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी। वह अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे, आसन लगाकर बैठे हुए थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुटे हुए थे और गांव के जो प्रेमी थे, जो उनसे प्रेम करते थे, उनके कीर्तन सत्संग सुनते थे, उनके साथ वहाँ बैठे हुए थे। खंजरियाँ और करतारों की भरमार हो रही थी। कर तार कर, कर मतलब हाथ, ताल मतलब ताली, कर तार ताल करों से हाथों से ताली बजानियाँ। वह खंजरियाँ कोई बजा रहे थे और कई लोग वहाँ पर बैठे हुए अपने हाथों से तालियाँ बजा रहे थे। एक पद बाल गोविंदम भगत कहते थे, किसी भी गाने का, किसी भी भजन का एक पद जो होता है, पहले वह बाल गोविंदम भगत गाते थे और उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती थी और जितने भी उनकी प्रेम मंडली थी, जितनी भी संगत वहाँ पे बैठी हुई थी, वह उनके द्वारा गाए जाने वाले पदों की पहली पंक्ति वह गाते थे और फिर उस पंक्ति को वह सब दोहराती थी, उनके पीछे पीछे दोहराती थी और त्रिहाती थी और तीन तीन, दो दो, तीन तीन बार उसको गाती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचे होने लगते थे और धीरे धीरे बाल गोविंदम भगत का स्वर ऊंचा होने लगता था। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति, उनका स्वर एक निश्चित ताल को पकड़ लेता था, एक निश्चित गति को पकड़ लेता था। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। जब वह मन लगाकर इसको गाते थे और ताल और स्वर को ऊपर चढ़ाते थे, श्रोताओं का मन भी उनके साथ उनके भजन में रम जाता था। वह भी जोर जोर से गाने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था और इस तरह से वो भक्ति में मगन हो जाते थे कि उनका मन उनके तन पर हावी हो जाता था, मतलब कि वह प्रेम मगन हो जाते थे और उस गाने को, उस भजन को उनके साथ गाते ही रहते थे। होते होते एक क्षण ऐसा आ जाता था, और एक समय, क्षण कहते हैं समय ऐसा आ जाता था कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंदम भगत नाच रहे थे। एक क्षण ऐसा आ जाता था जब इतने मगन हो जाते थे तो वह बीच में अपनी खंजरी लिए बाल गोविंदम भगत खड़े होकर नाचने लगते थे और उनके साथ ही उनके तन और मन नित्य शीला हो जाता था। उनका तन और मन दोनों ही नाच करने लगता था। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतपोर हो जाता था और जितना भी आंगन, जितनी भी संगत, जितने भी लोग बैठे हुए थे, सभी नाच और गाना गाने लगते थे और पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता था। इसका पहला प्रश्न है, उनकी संज्ञा से लेखक का क्या आश्चर्य है, वातावरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। उनकी संज्ञा से लेखक का आश्चर्य है शाम के समय गाए जाने वाले वह गीत जिन्हें बाल गोविंदम भगत अत्यंत तन्मय से गाया करते थे। इस संज्ञा का प्रभाव यह होता था कि इससे श्याम काल की गर्मी महसूस नहीं होती थी और सुनने वाला शीतलता की अनुभव करता था। दूसरा है, संज्ञा ज्ञान में भगत का साथ देने वालों को क्या कहा गया है, वे लोग भगत का किस तरह सहयोग करते थे। संज्ञा ज्ञान में भगत के साथ देने वालों को प्रेम मंडली कहा गया है। यह प्रेमी भगत बाल गोविंदम भगत की अगुवाई में गाई जा रही संज्ञा के स्वर में स्वर मिलाते और खंजरियाँ और करतारों के माध्यम से ताल मिलाते थे। इनके गायन में एक निश्चित लय, ताल और गति होती थी। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाने का भाव स्पष्ट करिए।
भगत के गायन का स्वर लय ताल के साथ चढ़ावों पर होता तो श्रोताओं के मन में भी संगीत के साथ उठने लगता था। इस तरह संगीत से आनंदित मन उनके शरीर पर हावी हो जाता था और वह आनंदित होकर नृत्य करने लगते थे। आज मैंने आपको ये बाल गोविंद भगत का छठा पैरा पढ़ाया है, कल इसके आगे का मैं आपको पढ़ाऊंगी।